नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ व अन्य मांगों के समर्थन में टाटा नगर स्टेशन एवं चक्रधरपुर मंडल के लगभग 5,500 लोको पायलट 24 घंटे भूख हड़ताल पर रहकर अपने कार्यों को किया निष्पादित। जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को एसडीओ कोर्ट परिसर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस दौरान मुखर हुए आरटीआई कार्यकर्ता, विरोध के बावजूद प्रशासन ने खाली कराया अतिक्रमण। जमशेदपुर में आईएमए जिला कमेटी द्वारा जिले के एसएसपी का किया गया अभिनंदन। जिला पुलिस ने डॉक्टर कुंडू पर गोली चलाने वाले अपराधियों को किया 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार। आईएमए में है खुशी। अब खबरें विस्तार से। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ एवं अन्य मांगों के समर्थन में टाटा नगर स्टेशन एवं चक्रधरपुर मंडल के लगभग 5,500 लोको पायलट 24 घंटे भूखे रहकर अपने कार्य का निष्पादन किया। दक्षिण पूर्व जोन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले इन्होंने उपवास रहकर अपने कार्य को किया। रेलवे में निजीकरण समेत पेंशन स्कीम में सुधार व टी रेट को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित आरएसी 1980 के फॉर्मूले के तहत निर्धारित किए जाने, इन सभी मांगों को लेकर केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में लोको पायलट द्वारा 24 घंटे तक उपवास रहकर कार्य किया गया। वहीं जनरल सचिव पारस कुमार ने बताया कि वे सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कंधे से कंधा मिलाकर करते हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा जो निजीकरण हो रहा है उसका सभी विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 24 घंटे तक उपवास रखा गया है। सितंबर माह में पुनः कमेटी की बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि सारे कर्मचारी एकजुट होकर अपनी बातों को रेल मंत्री के समक्ष रखेंगे। कमेटी के आह्वान पे उपवास पे बैठे हैं, भूख हड़ताल नहीं, ये उपवास है। पूरे भारतवर्ष के लोको रनिंग स्टाफ आज उपवास करके रेलवे बोर्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य मांग है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन और निगमीकरण न हो, सरकारी हमारा जो रेलवे के कर्मचारी द्वारा ही सारा काम कराया जाए और रेल का विकास हम लोग लगातार कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके कंधा से कंधा मिला के प्रशासन का और इसको कायम रखा जाए। और दूसरा जो हमारा डीए रेट है, किलोमीटर रेट, उसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमोदित जो आरएससी 1980 का फॉर्मूला है उसके तहत दिया जाए। और तीसरा एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम किया जाए। वहीं चांडिल रेलवे स्टेशन पर उपवास में रहकर कार्य कर रहे एक रेल कर्मचारी अंकित कुमार अचानक कार्य के दौरान ही बेहोश होकर गिर पड़े। वहां के स्थानीय कर्मचारियों ने उन्हें त्वरित रूप से चांडिल रेल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें दूसरे ट्रेन से टाटा नगर रेल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन आज एसडीओ कोर्ट परिसर में बने अवैध दुकानों को हटाने पहुंचे, जहां शुरुआत में जिला प्रशासन को काफी मशक्कत झेलनी पड़ी। बाद में दुकानदारों ने स्वतः ही अपने दुकानों को हटा लिया। इधर आरटीआई एक्टिविस्ट सदन ठाकुर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का हवाला देते हुए जिला प्रशासन की कार्रवाई को अमान्य बताते हुए कहा कि जिस भूखंड से सरकार और जिला प्रशासन उन्हें जबरन हटा रही है, वास्तव में ये जमीन ना तो जिला प्रशासन की है और ना ही झारखंड सरकार की। उन्होंने बताया कि उक्त भूखंड भारत सरकार की है और इस पर केवल भारत सरकार का ही अधिकार है। इसलिए उक्त भूखंड पर अगर भारत सरकार की कोई योजना आए तो वे स्वतः ही अपनी दुकानों को हटा लेंगे, लेकिन इस जमीन पर राज्य सरकार जबरन अतिक्रमण कर रही है। इसको लेकर आगे कोर्ट जाने की बात उन्होंने कही।
इधर अतिक्रमण हटाने पहुंचे मैजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकानदार स्वतः ही अपने दुकानों को हटा रहे हैं। जो दुकानदार नहीं हटाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसडीओ कोर्ट परिसर से दुकान हटाए जाने से सैकड़ों दुकानदारों और टाइपिस्टों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या अनपड़ी है, जहाँ टाइपिस्ट वेंडर और कुछ छोटे मोटे दुकानदार अपनी जीविका चलाते हैं। वैसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई आरटीआई एक्टिविस्ट सदन ठाकुर की बातों में सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो सरकार और जिला प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए, अन्यथा जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की जमीन को जबरन हथियाने के मामले में दोषी हो सकती है। एसडीओ कोर्ट परिसर में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण करके छोटे मोटे दुकान खोले गए हैं। कुछ ये भी पाए गए हैं कि कुछ लोगों को अलग जगह पर आवंटित है, फिर भी उसको सब लीज करके, जैसे जीरोक्स मशीन वगैरह को भाड़े पे लगा करके और वापस नए जगह पे अतिक्रमित करके दुकान चला रहे हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं, और जबकि सरकारी भूमि जो एसडीओ परिसर की है उसे सरकार को खुद आवश्यकता है, जिसमें हम लोग जन परियोजना चला सकते हैं, जो लाभुक के यहाँ पे मिलने आते हैं उनके लिए कुछ कैंटीन वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रयोजन से जो अतिक्रमित भूमि है उसको हम लोगों ने खाली करने के लिए पहले भी निर्देश दिया है, बार बार अनाउंसमेंट भी हुई है, और इसी का एक ये प्रक्रिया है जिसमें आज काफ़ी लोग खुद से हटा भी रहे हैं। लास्ट में जो लोग खुद से नहीं हटाएंगे वो तोड़े जाएंगे। बिल्कुल हाँ, इसका कारण अगर कोई भी ज़मीन खाली है तो लोग आकर के उसको कोशिश करते हैं कि अतिक्रमण कर लेने का। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हटने के बाद उसमें कुछ स्थायी, उसमें कोई निर्माण कार्य हो जाए, यदि कैंटीन बन सके या कोई बिल्डिंग बन सके या फिर गार्डन वगैरह बना करके उसको कम्प्लीटली हम लोग घेराबंदी कर दें, ताकि दोबारा अतिक्रमण उस पर नहीं हो पाए। जमशेदपुर में आईएमए जिला कमेटी द्वारा जिले के एसएसपी का अभिनंदन किया गया। जिला प्रशासन ने डॉक्टर कुंडू पर गोली चलाने वाले अपराधियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है, जिस कारण से आईएमए के द्वारा जिला प्रशासन का अभिनंदन किया गया। बता दें कि विगत दिनों सीतारामदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारद्वारी इलाके में स्थित एपेक्स हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर कुंडू पर अपराधियों ने फायरिंग की थी। इस मामले के बाद आईएमए जिला कमेटी ने जिला प्रशासन के समक्ष त्वरित रूप से अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी थी, जिसके बाद 48 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इससे डॉक्टरों ने राहत की सांस ली है। आईएमए जिला इकाई के द्वारा जिला पुलिस कप्तान का अभिनंदन किया गया। ये जो डॉक्टर कुंडू के बारे में जो बात हुई थी, जिसमें से उन पर फायरिंग किया गया था एपेक्स के सामने में, तो हम डॉक्टर सब थोड़ा चिंतित थे इनके विषय में भी और समाज के विषय में भी, क्योंकि आज के दिन में अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो समाज का भी अहित होगा। इसलिए लोग डॉक्टर भी थोड़ा टेंस थे, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, सीनियर एसपी साहब या एसपी साहब, सिटी एसपी साहब या इनकी पूरी टीम, जिस तरह से इन्होंने मेहनत किया है और जो कल्पिट को इन्होंने अरेस्ट किया है, ये काबिले तारीफ है सही में। और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे अथॉरिटी को कि जिन्होंने इस तरह से इतना शॉर्ट टाइम में इन लोगों को अरेस्ट किया और हम लोगों को चिंता रहित किया। विधानसभा चुनाव आने से पहले भाजपा में घमासान मच गई है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री से लेकर कार्यकर्ता विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें, मंत्री सरयू राय के काफी नजदीकी माने जाने वाले भाजपा नेता विकास सिंह पर कावर यात्रा के नाम पर लाखों रुपए उगाही करने का आरोप लगा है, और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता मनोज गुप्ता ने लगाया है। कुछ दिन पहले मनोज गुप्ता ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि बोलबम के नाम पर लोगों से जो चंदा लिया जा रहा है उस पैसे से किसी करीब बेटी की शादी करा दे। फिर क्या था, इस पोस्ट को देखते ही भाजपा नेता विकास सिंह आग बबूला हो गए और मनोज गुप्ता को फोन पर जान से मार डालने की धमकी दे डाली। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि विकास सिंह मनोज गुप्ता को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हत्या करवा देंगे, जितनी बार तुझे पीटा पर तू नहीं सुधरा, अब की बार तेरे घर में घुसकर
तेरे को मारेंगे। उधर इस धमकी के बाद मनोज गुप्ता का पूरा परिवार दहशत में है। वैसे भाजपा नेता विकास सिंह पर उगाही और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मनोज गुप्ता एसएसपी दरबार पहुंचे और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं भाजपा नेता विकास सिंह ने पूरे मामले को बेबुनियाद बताया और कहा कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। 3 साल से कांवर यात्रा निकालते हैं, अगर कोई प्रमाण दे कि हम उगाही करते हैं तो हम संन्यास लेने को तैयार हैं और सभी सजा भुगतने को तैयार हैं। कई बार धमकी मिला, इसलिए मैं नगरट किया। लास्ट में तरस आके उन्होंने मुझे गंदे गंदे अभद्र गाली दिया, यहाँ तक कि जो गाली मुझे नहीं देना चाहिए था, जो कि शोभनीय नहीं है, क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते उसे नहीं देना चाहिए। मान लीजिए मुझसे जो भी गलती हुई है, चाहे कुछ भी हो, उसकी जांच करते। हमने क्या लिखा है फेसबुक के माध्यम से लिखा, मैंने एक जो तीर्थ यात्रा के नाम से चंदा मांगते हैं उसे ना दे, बल्कि गरीब की बेटी की शादी करा ले, इतना मैं फेसबुक में लिखा हूँ। उसके बाद मुझे धमकी आई है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग भी एसएसपी साहब को दूंगा कि इसकी जांच किया जाए। कल को मेरे ऊपर कोई अटैक करता है, मेरे को कोई रास्ता चलते हुए मुझे मारा जाए, धमकाया जाए, धमकी मुझे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता विकास सिंह के द्वारा मुझे धमकी दी गई है कि आपको जान से मरवा देंगे, आप मुझे पहचाना नहीं आपने, मैं कई बार आपको धमकी दे चुका हूं और फिर एक बार देता हूं कि तुम इस तरह का नहीं करेगा, तुम मेरे साथ काम करेगा तो मेरे लिए जो है मैं तो नहीं है। आप सभी जानते हैं कि विगत 3 वर्षों से निःशुल्क कांवर यात्रा मेरा लेके जाया जाता है, आप लोगों का समर्थन मिलता है। मैं तो मेरा कॉल डिटेल निकाल के देखिए, हमको लगता है कि 2 साल में हम उससे एक बार भी बात नहीं किए। मेरा कॉल डिटेल निकाल के देखिए, 2 साल में हम एक बार भी उससे हम बात नहीं किए। लेकिन अचानक एक दिन हम सोशल मीडिया में देखे कि उन्होंने लिखा कि विकास सिंह सरजू राय चंदा कर रहे हैं, तो हम बोले चंदा कर तो किससे कर रहे भाई, बताइए तो सामने किससे कर रहे हैं। तो हमने उसको समझाया, नहीं माना, तो हमने उसको फ़ोन में बोला और हम अभी एसपी साहब को बोले हैं कि उसके ऊपर या तो प्रमाण मांगिए कि हम चंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं तो मानहानि का मुकदमा और आईटी एक्ट का उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। जो दिया है हमने, जो बोला उसको बिल्कुल, इसलिए उसको हमने कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करता, लेकिन हमने इसलिए उसको फ़ोन में डांटा गाली दिया क्योंकि वो पार्टी का एक वर्कर है, हमको नहीं लगा कि उसको घसीट के कोर्ट में ले जाया जाए। लेकिन अब हमको लगता है कि नहीं, ये देखिए इसके इशारे में, यहाँ देखिए फोटो, ये देखिए उसका बयान देखिए, बयान देखिए, कमेंट देखिए, सब कुछ देखिए, किसके कहने में उन्होंने सारा हरकत किया, कमेंट देखिए किसके कहने में, क्या बोले, हमने ये फोटो दे रहा आपको देख लीजिए, किसके कहने में, कौन है फोटो में, ये पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जी का फोटो है जिसको उन्होंने लिखा है कि मैं सब काम कर दिया हूँ। देखिए मेरा कहना हमको नहीं मतलब, मेरा कहना मतलब है कि हम हर वो सजा भुगतने के लिए है तैयार जिसमें कोई प्रमाण पेश करेगा। जमशेदपुर के सतगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी डॉली नाग नामक महिला इन दिनों क्षेत्र के असामाजिक तत्वों से काफी परेशान है। पुलिस के पास शिकायत करने के बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसके खिलाफ विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिला नेत्रियों ने जिला पुलिस कप्तान के साथ मुलाकात की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बताया जाता है कि विगत 2 माह पूर्व डॉली नाग नामक महिला की बड़ी बेटी के साथ क्षेत्र के असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था और उसके खिलाफ लिखित शिकायत की गई थी। काफी दबाव के बाद उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं कुछ दिनों पूर्व दोबारा उनकी छोटी बेटी के साथ उन्हीं असामाजिक तत्वों ने दोबारा छेड़खानी की और गलत कार्य करने का प्रयास किया और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जब इसकी शिकायत थाने में की गई तो थाने में शिकायत लेने से इनकार कर दिया। वहीं डीएसपी से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला नेत्रियों ने भुक्तभोगियों के साथ जिला पुलिस कप्तान के साथ मुलाकात की और त्वरित रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डॉली नाग का केस जो है, पहले भी इनके बड़ी बेटी को एक लड़का ने संकल्प दया ओझा बोल के जो है वो उसको छेड़खानी किया था, वो छेड़खानी मामला सिद्धगोरा थाना में किया गया था और इसको लेके ये लोग गरीब है, ये लोग बहुत दौड़ धूप कर रहा, इनको तो बाद में पता चला 2 महीना बाद में जब थाना में गया तो बोलता वो कोर्ट से बेल करा लिया संकल्प दया ओझा। फिर 4-5 दिन पहले 9 तारीख को इसका छोटा बेटी के साथ ये लोग छेड़खानी किया, मारपीट किया, सारा वीडियो इसने रिकॉर्डिंग करके रखा है, सारा वीडियो ने प्रशासन को दिखाया तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जब डीएसपी साहब का आज हम लोग मिलने के लिए आए कि भाई इतना सारा वीडियो है, सारा चीज़ है, अब गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, तो वो उसी का पक्ष ले रहा है।
कह रहा है कि अगर शंकर दर शर्मा भी केस करेगा तो आप लोगों के ऊपर केस किया जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि छेड़खानी हुआ समाज में दे रहा है कि लड़की को बचाओ, लड़की को पढ़ाओ, छेड़खानी का अभी तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। तो पुलिस बोल रहा है वो भी अगर केस करेगा तो उसको आप लोगों के ऊपर केस किया जाएगा। इसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसका नाम से हम लोग लिख के दिए उसको गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं करेगा तो एक हफ्ता बाद से हम लोग पूरा धरना पर बैठेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर राज्य में पहला और देश में चौथा स्थान प्राप्त कर बाकी जिला और राज्यों को आईना दिखा रही है। वैसे इस कड़ी में एक और अभियान जुड़ गया है और ये अभियान है स्वच्छता की शपथ लेने का। आपको बता दें धारभूम एसडीओ से मुलाकात करने वाले मुलाकातियों को स्वच्छता की शपथ लेनी होगी। आप किसी भी काम से एसडीओ के कार्यालय पहुंचेंगे तो आपको स्वच्छता के लिए शपथ लेना होगा, जिसके बाद अपनी बात एसडीओ के सामने रख सकेंगे ताकि जिला और शहर स्वच्छ और स्वस्थ हो सके और इस स्वच्छता और स्वस्थता में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। आपकी यह जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को धारभूम एसडीओ याद दिला रहे हैं। स्वच्छ शहर होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो देश और राज्य स्वस्थ रहेगा। इसी संदेश को लेकर एसडीओ का यह पहल काफी सराहनीय है। कार्यालय में प्रत्येक 6 दिन में प्रत्येक दिन हम लोग आवेदकों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो उसके लिए लोगों से इस परिपत्र में हम लोग हस्ताक्षर कराते हैं और जिसमें इनसे वचन लेते हैं कि वो जमशेदपुर शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग देंगे। इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि इनका कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल भी हमारे पास उपलब्ध रहता है, ताकि अधिक किसी की कोई शिकायत है और तो हम लोग बाद में भी फॉलोअप करके चेक कर लेते हैं कि क्या उनकी शिकायत का संपूर्ण समाधान हो पाया या नहीं। ये भी पता चलता है कि किस तरह के लोग क्या कोई दलाली करने या कोई फर्जी चीज़ों को बार बार लेकर के आ रहे हैं, तो उन्हें भी रोक पाना संभव हो सकता है, ताकि जो रियल में जिनकी प्रॉब्लम है उनको हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे सुन सकें। जमशेदपुर के जोगसला स्थित धोबी घाट में विधायक निधि से सामुदायिक भवन बनाया जाना है। सोमवार को विधायक प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य ने सामूहिक रूप से इसका शिलान्यास किया। रजक समाज के आवेदन पर ये सामुदायिक भवन यहां बनवाया जा रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सही से वो वर्तमान में राज्य के मंत्री भी है। रजक समाज के द्वारा क्षेत्र के विधायक से समाज के कार्यों को पूर्ण करने हेतु एक सामुदायिक भवन बनाए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद विधायक निधि से बनने वाले इस सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। लगभग 8.5 लाख की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य ने सामूहिक रूप से इसका शिलान्यास किया। हम लोग विधायक रामचंद्र सही जी के निधि से रजक समाज को एक सामुदायिक भवन का निर्माण विधायक निधि से कराया जा रहा है, जिसमें समाज के उत्थान के लिए हमारे विधायक जी ने ये आशा और उम्मीद रखा है कि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए भवन का बहुत जरूरी होता है। उसी के तहत विधायक निधि से यहाँ भवन का निर्माण कराया गया, जिसका आज शिलान्यास था, जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित थे। लागत 8.5 लाख रुपये की लागत से भवन बना। जमशेदपुर में अग्रसेन महिला क्लब द्वारा 3 दिवसीय सावन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इस मेले में कुल 56 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले के उद्घाटन सत्र में जिले के उप विकास आयुक्त बी महेश्वरी तथा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अंजलि लकड़ा शामिल हुई। मेले में उड़ीसा, बंगाल एवं झारखंड की महिला उद्यमियों ने कुल 56 स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें साड़ी, सूट, बेडशीट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बर्तन, राखी, साथ ही कई हस्तकला के सामानों को प्रदर्शित किया गया है। आयोजकों के अनुसार घरेलू उद्यमी महिलाओं को एक मंच प्रदान करने हेतु इस मेले का आयोजन किया गया है, जिसका काफी लाभ इन महिलाओं को मिल रहा है। के नाम से 14 से 16 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 60 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो रानीगंज, न्यामतपुर, टायरंगपुर, धनबाद, कोलकाता से भी काफ़ी बहनें आई हैं। इसमें राखी, गिफ्ट आइटम्स, भाइयों के लिए गिफ्ट आइटम्स एंड टेराकोटा आइटम्स, कुर्ती, साड़ियाँ हमारी एक्सक्लूसिव रहेगी।
और साथ ही हमने 5000 की खरीदारी पर एक सिल्वर कॉइन देने का ग्राहकों को विचार किया ताकि स्टॉल होल्डर्स और ग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो छोटी छोटी घरों में जो व्यवसायी महिलाएं हैं वे अपने छोटे से प्रयास से उनको आगे मंच प्रदान किया जा सके ताकि वे अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक आगे बढ़ा सकें। जमशेदपुर के कदमा में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और पार्क के सौंदर्यकरण का उद्घाटन मंत्री सरयू राय ने सोमवार को किया और एक बड़ी सौगात लोगों को दी। इस दौरान मंत्री सरयू राय ने उसी पार्क में कई पौधों का रोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से लोगों को सीख लेने की जरूरत है और इस माध्यम से लोग उनके आदर्शों पर चलेंगे। वहीं मंत्री सरयू राय ने कई पौधों का रोपण करते हुए कहा कि पौधारोपण हम सबकी जरूरत है और इस दिशा में लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि हम अपने पर्यावरण की रक्षा स्वयं कर सकें। बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में सामुदायिक भवन था परंतु बाबा साहब की एक प्रतिमा नहीं थी। मैंने अपने विधायक निधि से इस प्रतिमा की आज स्थापना कराई है, इसका अनावरण आज हुआ है और इस पार्क को हम लोग एक बेहतर स्थान के रूप में विकसित करना चाहते हैं और अभी जो सामुदायिक भवन बना है उसके ऊपर एक और तल्ला बनाकर वहाँ अम्बेडकर विचार केंद्र के रूप में जो भी युवक हैं लोग हैं आए पुस्तकालय वाचनालय ये बने और बाबा साहब के जो विचार थे उन विचारों के अनुरूप आगे भावी भारत का निर्माण हो और उनके समसामयिक जो भी महात्मा गांधी से लेकर अन्य विचारक संश्लेषण करके एक सामासिक विचारधारा जो मुख्य धारा के रूप में देश के विकास के लिए काम करे उसको यहाँ से पुष्पित पल्लवित करने की योजना है। इसके लिए छोटी समिति बनाई जाएगी जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहेंगे, प्रशासनिक लोग रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में एक स्थान उत्तम स्थान के रूप में स्थापित होगा। कल हर जगह हो रहा है, हर कार्यक्रम के साथ लोग पौधारोपण जोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है कि लोग अपने कार्यक्रमों के साथ आयोजन के संस्कार में पौधारोपण को भी समाहित कर रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो स्थित वास्तु बिहार कॉलोनी के पदाधिकारियों ने कॉलोनी निवासी सह कांग्रेसी नेता रविशंकर के खिलाफ जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपा है, साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि रविशंकर अपने नेतागिरी का ध्वस दिखाते हुए कॉलोनी में गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। सरकारी निबंधन के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी के नियमों को नहीं मानते हुए सोसाइटी के लोगों को बदनाम करने का कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि विभिन्न तरीकों से रविशंकर के द्वारा लोगों से पैसों की उगाही की जाती है और उसका हिसाब किसी को नहीं दिया जाता है। वहीं सोसाइटी के मेम्बरों को धमकाया भी जाता है। पत्र के माध्यम से सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता रविशंकर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। सोसाइटियां चलाते हैं, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देखें 6-7 तरह की सोसाइटी और संस्था चलाते हैं और इन सब के नाम पर वो चंदा उगाही करते रहते हैं, किसी को हिसाब नहीं देते हैं, हिसाब मांगने पर झगड़ा करते हैं और इसके साथ साथ जबरदस्ती पिछले 2-3 साल से वो सोसाइटी चलाने का कोशिश कर रहे थे जिसमें कॉलोनी में उन्होंने मेंटेनेंस जमा किया और बिजली का 80,000 रुपया बकाया रख दिया और इसके कारण बिजली विभाग ने बिजली भी काट दिया है। तो उनका यही क्रियाकलाप शुरू से रहा है, 2005-06 से यही वो करते आए हैं और यही इनका काम है। इवन वो अपनी पार्टी के लोगों को भी गुमराह करते हैं और पार्टी के लोगों को कॉलोनी का मैटर को पार्टी के साथ राजनीतिकरण करके और SSP और DC को वो ज्ञापन दे रहे हैं। तो मुझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना रखें जिससे कि पार्टी का छवि खराब हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।